हेलो एवरीवन, इंडिया में मेरी और मैना की एनिवर्सरी चालू हो चुकी है और यह हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा कि उसको कुछ गिफ्ट देता हूँ। तो मैंने उसके लिए बाय किया है आईफोन 14 प्रो मैक्स, सो आई होप शी विल लाइक इट। एंड अब इसको रैप करते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ केक लेने सबसे पहले, उसके बाद कुछ डेकोरेशन का आइटम्स लूँगा, उसके बाद सोच रहा हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं और क्या सरप्राइज़ दे सकता हूँ, बट चलिए अब देखते हैं कि फाइनल मेरा सरप्राइज़ क्या रहा है, बताता हूँ धीरे धीरे। तो हम आ गए हैं 24 और यहाँ आकर के हम केक लेंगे सबसे पहले, उसके बाद डेकोरेशन का सामान देखते हैं कहाँ से उठाना है। तो फाइनली हम आ गए हैं अब सरप्राइज़ के लिए और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा फाइनली सरप्राइज़ क्या था। मैंने एक्चुअली में रूम बुक किया है रवाडा होटल में, और बिकॉज वो घर पे है अभी, तो अगर मैं घर पे करता तो उसको सरप्राइज़ पता चल जाता, तो इसलिए मैंने होटल का रूम बुक किया है और अब मैं यहाँ पर डेकोरेशन करने वाला हूँ। तो अब मैं ये जो सामान लेके आया हूँ और केक भी लेके आया हूँ, कहाँ से ओपन होता है ये रहा। तो ये केक बनाया है, ये रोज चॉकलेट रोज है एक्चुअली, फिर ये तो बैनर और बाकी अब मेरे को काम करना है। ये उसका गिफ्ट है तो उसको मैं यहाँ रख दूंगा अभी के लिए, बाद में करेंगे। चलिए अब मैं इसको डेकोरेशन चालू करता हूँ, फिर मैं आपको वापस बताता हूँ क्या किया मैंने। तो फाइनली मैंने कर दिया है अभी यहाँ पूरा अरेंजमेंट तैयार और अब मेरे को जाना है वापस मैना के पास। फ़ोन लगा रही है बट मैं उसको बोलूँगा कि मैं यू राइड कर रहा था, थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है। बाकी ये थोड़े से स्वीट्स, ये फ्लावर, ये कार्ड, ये गिफ्ट और ये डेकोरेशन। सो लेट्स गो, देखते हैं अब मैना से बात करते हैं, अब वो आगे का व्लॉग बनाएगी शायद। चलिए सो दिस इज सो प्रेशियस मोमेंट फॉर मी, शादी के दिन आपने ऐसे मंगलसूत्र पहनाया था मुझे और आज नेक पीस पहना रहे हो। सो ये नेक पीस आदि ने मेरे लिए कस्टमाइज करवाया था, इसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। सो इसका जो ये वाला साइड है इसमें UFO लिखा है। लुक एट दिस, या प्यारा लग रहा है ये। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज है 19th February अकॉर्डिंग टू इंडिया एंड अभी यहाँ कनाडा में तो 18 ही चल रही है, अभी बस 2 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगी 19th February एंड 19th February हमारे लिए बहुत ही रिमेम्बरिंग डे है बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट एनिवर्सरी। तो like happy first anniversary to us and अभी आदि मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, I don't know where we are going but yes I'm excited और मैं ready हो गई हूँ। जैसे कि आपने देखा ये जो neck piece है ये आदि ने मुझे gift दिया था, आदि जब शादी करने के लिए आए थे ना तब उन्होंने ये customized gift बनवाया था। आदि कहाँ से बनवाया था? यहीं से ओके, तो यहीं से बनवाया था नॉर्थ बे से ही और इसमें लिखा है UFO
क्योंकि मैं आदिकी यूएफओ हूँ इसलिए. और मैं आपसे कहा जैसे कि आपको अगर यूएफओ की स्टोरी जाननी है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, तो ही हम बता पाएंगे आपको यूएफओ की स्टोरी कि हमारी कार का नाम भी यूएफओ है, मेरा नाम भी यूएफओ है, तो ये क्यों है. सो अभी हम लोग जाते हैं, आदि भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए, अभी हम लोग जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ गए, हमने कैसे मजे किए. सो ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा कल तक भी, क्योंकि कल भी हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं दिन में. अभी तो रात है तो रात में देखिए कहीं पे जाते हैं. और आज हालांकि हम लोग डिनर कर नहीं सकते क्योंकि ना आदि का व्रत चल रहा है महाशिवरात्रि का अकॉर्डिंग टू कैनेडा, और इनका ना निर्जल व्रत रहता है. पूरे साल भर में एक व्रत रखते हैं लेकिन एकदम इतना टफ वाला रखते हैं, निर्जल वाला. मैंने तो अच्छे से खा पी लिया था. एनीवे तो अभी हम लोग जाते हैं और आपको बताते हैं, आप देखते रहिएगा वीडियो में. सो गाइस ये इज माय फुल लुक. मैं वो अपने रूम में भी दिखा सकती थी लेकिन ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए. आपको पता है मैंने आदि के शूज पहने क्योंकि मेरे शूज जो है इसके साथ जा नहीं रहे थे, तो मैंने आदि के शूज पहन लिए. एंड सिंपल सा ये मेरा न्यू टॉप है. थोड़ा सा मोटी हो गई है तो लग रही हूँ यहाँ से मोटी बच्चे तो क्या. और ये मेरा न्यू फोन कवर, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है. ये मुझे ना सेल में पड़ गया था, पता है सिर्फ $1 का, मतलब 60 रुपये का फोन कवर कैनेडा में. कैन यू इमेजिन. ये तो घर की चाबी है. बस क्या हुआ, कुछ फेंक दिया वॉशरूम में. ओके तो जाते हैं हम लोग बाहर. ओके सो यहाँ पे बहुत स्लिपरी सा हो रहा है और ये हमारे पति बैठ गए हैं अंदर, अब हम बैठते हैं. अरे मैंने कैमरे पे हाथ रख दिया क्या. से हाय. हेलो. ही सीट बेल्ट नेसेसरी. खैर इंडिया में भी अब तो नेसेसरी हो गया है. ओके यूएफओ wearing my seat belt. Okay so Mr. Adi, tell me where we are going. We are going to get pizza first. Really? Yep. After that I'll show you where I'm going. Okay so it's again a surprise for me. Okay theek hai, wait karte hai ki nahi. ओके गाइस तो आदि तो ना चले गए बड़े आगे ना इतरा के मेरे को छोड़ के. आई हेट यू, आई हैव टू गो फर्स्ट. ये लड़के सुनते ही नहीं है मेरी, पूरा काम खुद को करना है. गेट तो खोल दूं, पीछे खोलूंगी. ओके सो हमने अपना पिज्जा ले लिया है. ये स्ट्रीट कितनी सुंदर लगती है ना, ये जो लाइट्स चल रही है इसके कारण सुंदर तो लगती है मगर उतना ही बेकार. यहाँ पे चोर चक्के बहुत रहते हैं ना. हम पहुंच गए ऑलमोस्ट हमारी डेस्टिनेशन पे. अभी आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ अंधेरे के कारण, आपको दिखाती हूँ हमारी डेस्टिनेशन कैस्केड कैसीनो. वाओ आदि थैंक यू कैसीनो कैसीनो एक्सपीरियंस कराने के लिए. थैंक यू बोल रही हूं. सट्टेबाज होके जो थैंक यू बोल. अरे नहीं, लाइक जब हम गोवा गए थे, हम जब गोवा गए थे तब हम लोग कैसीनो गए थे क्योंकि गोवा में तो लीगल है ना. अब उसके बाद मैं यहाँ पे लाइक आ रही हूँ तो इसलिए थैंक यू बोल रहे हो. क्या यार. ओके सो आदि दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन कैसीनो. ओके मेरा भी कनाडा में. इंडिया में तो वहां गई थी ना, गोवा में. ये यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कुछ म्यूजिक चल रहा है. ना ओके अभी रेस्टोरेंट तो बंद क्या नहीं सकते. या इट्स योर फास्ट
गाइस हम लोग बाहर आ गए और अंदर ना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हमने नहीं बना पाए वीडियोस। मतलब हमने चोरी छुप के बनाए बट वो मेरे फिर चैनल पे दिक्कत कर देंगे। एक मिनट हम अंदर बैठ के बताते हैं। ओके गाइस तो आदि कैसा लगा बताओ कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। बस ये होता है गोवा में जो हमने खेला था ना वो मतलब लोग खिला रहे थे तो उसमें बहुत मजा आ रही थी। यहाँ पे पूरा मशीन वाला था, बस एक सेक्शन था जिसपे लोग खड़े थे और खेल रहे थे, बाकी यहाँ पे तो मतलब पूरा वो मशीन वाला ही था तो उसमें इतना मजा नहीं आया क्योंकि वो जो खिलाते ना आदि उसमें ज्यादा मजा आता है। हाँ क्योंकि होता क्या है ना कि ना उसमें फिर ऐसा इंटरेस्ट बनता है कि कौन जीत रहा है ऐसा वैसा। अब यहाँ तो क्या बस वो बटन दबाते रहो खेलते रहो खेलते रहो। फिर भी हमने $30 की बेट लगाई थी सारी मशीनों पे और हम जीते हैं $60 जीते थे हम, लेकिन फिर हम $10 फिर हार गए। टोटल हम $50 में अभी भी हम फायदे में हैं। सो $50 हमने चुपचाप रखे अपनी जेब में और बाहर आ गए। बस हो गया शौक पूरा, देख लिया कैसा है यहाँ का कैसीनो। एंड खाने पीने की तो कोई लाइन नहीं थी क्योंकि आदि का फास्ट है और मैंने अभी शाम में चाय वगैरह पी थी तो I'm done. हम यहाँ स्टे करने वाले खोलो तो खुल गया। ओ माय गॉड दादी क्या ये? अरे यार आओ ना बहुत ही पागल हो तुम फोड़े जा रही हो कैसा लग रहा है? सो क्यूट। इधर तो कोई नहीं है। तभी बोले लोग सरप्राइज। अब ऐसे क्यों करते हैं ये बताओ मुझे। क्यों कैसा क्या करता हूँ? ऐसा जो किया है आपने। अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं अच्छा बहुत लगा लेकिन अरे और मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। अरे तो ठीक है तो ये रहा हमारी बेगम का सरप्राइज। थैंक यू। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी। रोने लग गई क्योंकि मैं शकल देख क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाती हूँ। अरे तो ठीक है इधर आओ इधर आओ इधर आओ रोना बंद करो। हाँ ये देखो पागलो एंड नो बंद करो वीडियो। तो ये रहा हैप्पी एनिवर्सरी। बैठ जाओ वहां पे। हैप्पी एनिवर्सरी आदि। मत शूट करो बाथटब भी यहाँ तो। हाय एवरीवन तो मिल चुका है मुझे फिर से एक सरप्राइज। तो अभी बस एक मिनट में हमारी एनिवर्सरी अकॉर्डिंग टू कैनेडा टाइम होने वाली है स्टार्ट। और आदि ने यहाँ पे इतनी सारी प्रिपरेशन किए दिन भर से। ये जो मेरा पति है ना ये बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती है। थैंक यू रियली। लाइक मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब और मैं नहीं करती हूँ सही बताऊँ तो, क्योंकि हम लोग इतना लॉन्ग डिस्टेंस रह चुके हैं ना तो ये सब चीजों की आदत नहीं है मतलब। पर ठीक है सो फार सो गुड। नहीं मुझे इस बार नहीं पता है। ओके सो हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। टाइम कितना हो गया? हो गया होगा
1 minute left. Okay, so मैं यहाँ पे आपको प्रिपरेशन दिखा देती हूँ. देखिए, बाकी तो आपने वीडियो में देख लिया है. यहाँ पे इन्होंने कैंडल लगा दी है. यहाँ मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी आया हुआ है, तो या देखते हैं. और बढ़िया से बढ़िया है, बढ़िया. हैप्पी एनिवर्सरी. ये चलो पहले हो जाए. खा भी सकता हूँ. केक कैसा है? क्यों? कौन सा केक है? चम्मच भी लाया हूँ. हाथ गंदे भी. ओके फ्रेंड्स, तो हमने बना लिया अपनी एनिवर्सरी, मतलब केक कट कर लिया है. एंड हंकू इसी के साथ आदि का व्रत भी खत्म हो गया है. एंड एज शायद ऑलमोस्ट को पता है कि मुझे टर्की, लाइक मेरी ड्रीम कंट्री है टर्की जाना. तो वहां पे बनता है बकलावा, वहां की डिश है, स्वीट डिश ना. या सो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो आदि ने मेरे लिए भी सरप्राइज रखाया. कैसे लगी? नाइस. बहुत मीठा हो गया. मैं भूल गया कि अपन पिज्जा लाना भूल गए कार से. आपको ही जाना पड़ेगा. ऑफ कोर्स, तब मेरे को ही करना पड़ा. अच्छा, हां जी, क्या कह रहे हैं? ये आपके लिए गिफ्ट है. क्या गिफ्ट है इसमें? लो मोबाइल पकड़ो आप. मैं तो पर आपके लिए कुछ नहीं लेके आई. कोई बात नहीं. तो कार्ड भी नहीं लेके आई. लाइफ इज अ ग्रेट एडवेंचर रियली. एंड बीइंग मैरिड टू यू मेक्स मी वन हैप्पियर कैंपर. ओके, हैप्पी एनिवर्सरी ऑल माय लव. आई लव यू आदि. व्हाट इज दिस? ये तो एम्प्टी एनवेलप्स है. एक यहाँ पे भी रखा हुआ है, टू माय वाइफ ऑन आवर एनिवर्सरी. आई मे नॉट ऑलवेज से द थिंग आवर लविंग हस्बैंड शुड. आई मे अज्यूम माय वार्मेस्ट थॉट ऑफ यू आर अंडरस्टूड ऑलवेज, बट इन योर काइंड एंड स्पेशल वे आई एम होपिंग दैट यू नो योर लव एंड यू मीन मोर टू मी देन आई कुड एवर शो. ये लाइन्स आप ही के लिए लिखी गई है, आपको पता है अभी. हैप्पी एनिवर्सरी विद ऑल माई लव ऑलवेज. हैप्पी एनिवर्सरी टू अस. आई लव यू सो मच. ओके, सो वॉट इज दिस? Is this a mobile phone? Check it. Guys, ये ना मुझे लग रहा है ये फोन ही है. सब पता है. My God, ये तो iPhone है. iPhone. और इसका डब्बा काफी बड़ा दिख रहा है, तो ये कुछ आईफोन का न्यू वाला सीरीज है क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कवर देख के बता दे. 14 माय गुड
गॉडनेस इट्स पैटी पैक. यहां से इसको ऐसे करना है, फाड़ना है. ये नीचे से भी. ओह ओके. देख क्या वो लड़कियों की तरह मत करना कि फोन का डब्बा खोला और नीचे. माय गुडनेस. Ta-da-da! Wow! I got new iPhone. Thank you, Adi. थोड़े दिन पहले तो मेरे को कैमरा मिला था, एक महीने पहले, और अब आईफोन. और मैं आपके लिए कुछ नहीं लेकर आया, मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे दुख भी हो रहा है. कोई बात नहीं, उसमें चार्जर भी दिया इन्होंने, समझदार हो गए आईफोन वाले. नहीं तो केबल तो मिलती थी, वो ब्लॉक नहीं मिलता. ओके, थैंक यू आदि फॉर दिस. ओके गाइस, तो मिल गया है मुझे नया आईफोन और आदि के लिए मैं कुछ भी नहीं लेके आई. मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है. और आईफोन के कवर भी. माय गॉड आदि, यू आर सच आई नो, लाइक आपको हो गया रहा है भैया, मतलब इतने सरप्राइज वाले कब से हो गए हो मालूम है मुझे. तुम हाँ, मुझे तो पता है. मैं एक आईफोन के कवर भी मिल गया. My goodness, आदि आपका जैसा पति सबको मिले. आज ही मैंने अपने ये XR में ना न्यू कवर लगाया, जैसे कि मैंने आपको बताया. अब इससे भी होगी व्लॉगिंग और इसके साथ साथ कैमरे से भी होगी व्लॉगिंग. मेरे XR का ऑलरेडी जो माइक है वो खराब हो गया है, तो अब ये इमरजेंसी में काम आएगा ब्लॉगिंग के लिए, और कैमरा तो पूरे टाइम काम आएगा. थैंक यू आदि. ये हो रही है हमारी पिज्जा की अनबॉक्सिंग. ये दिल वाला पिज्जा है. माय गॉड आदि, आई कांट बिलीव दिस. यार आप इतने रोमांटिक कब से हो गए हो. दिल वाला पिज्जा. तो आज है नेक्स्ट डे और हम लोग निकल गए हैं जहाँ पे हम रुके थे, रमाडा. यहाँ पे होटल है यहाँ से. और जैसे कि कपड़े वपड़े तो थे नहीं, तो जो कपड़े में आए थे वही कपड़े में सो गए, वही कपड़े में उठ के घर जा रहे हैं. और बस बट एनीवे अभी हम लोग जाने वाले हैं सटबरी. अभी यहाँ पे बज रहा है, कितना बज रहा है, 4:32. सटबरी पहुंचने में 1 घंटा लगता है, तो बस जाते हैं और सीधे सटबरी पहुंच के आपसे मिलते हैं. ओके गाइस, तो आदि ने मेरा फोन सेटअप कर दिया है, इसके लिए हम घर के सामने 5 मिनट गए और मेरा फोन चालू हो गया है. हे गाइस, तो हम पहुंच गए हैं सटबरी और यहाँ पे हम कहाँ हो गए, कहाँ आए हैं आदि, कहाँ आए हैं आदि. हरी करी. पहले मेरे को सुनाई, पहले मेरे को लगा था हरी भरी, पर नहीं, हरी करी आए हुए हैं हम. हमने ऑर्डर की है चाट, आलू टिक्की चाट और समोसा चाट और दही पूरी. तो अभी हम खाएंगे और आपको बताएंगे कैसा है. मैं बहुत उम्मीदों के साथ इतनी दूर से यहाँ आए हैं हम लोग. कितने किलोमीटर, 100 125 किलोमीटर दूर आए हैं, तो भगवान करे हमें अच्छा कुछ खाने को मिले ना. अभी इधर देखो, बिजी हूँ मैं, नया फोन सेट करना, सेटअप करना. तो गाइस आ गया है हमारा ऑर्डर. ये है आलू टिक्की चाट, ये है समोसा चाट, ये है दही पूरी. खा के देखते हैं कैसा लगता है. आदि इज कमिंग. ओके गाइस, तो हमने खा लिया है यहाँ पे चाट, समोसा चाट.
और मैंगो लस्सी, भेलपुरी नहीं वो दही पकड़, दही फुल्की थी तो वो खा लिया, हमसे पूरी नहीं खाई गई तो हमने ना उसको पैक करवा दिया, आधा आधा दोनों अपने छोड़ दिया, पर ये अच्छी है तो ये मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। जरा सी तो थी। Thank you, Adi, for this treat. और ठीक था स्वाद, मतलब इतना अच्छा नहीं, बट हाँ ठीक है, खाने लायक है। चलो हम घर चलते हैं, चलो हम घर चलते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बढ़िया हम लोगों ने इंजॉय किया। फाइनली हम आ गए अपने घर पे। अभी यहाँ पे बज रहा है 9:30 रात का, और जैसा कि खा पी के तो आए ही हैं तो और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आदि कर रहे हैं मोबाइल वाले भैया का काम, जो मेरा नया फ़ोन आया है, और आदि का जो फ़ोन है उसमें वो स्क्रीन गार्ड लगा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने देख लिया हमारा काम? हाँ जी, मोबाइल वाले भैया। आपने देख लिया हमारा काम? कोई बबल दिखा आपको? नहीं दिखा, पर हमारे में आया तो हम बिल्कुल पैसे नहीं देंगे। हम ऐसे इंडिया में डराते थे मोबाइल वाले भैया को। मैं आया तो आप पैसे मत देना, फोन हमें दे देना। नहीं नहीं, फोन हम ले लेंगे खुद। फोन हमारे को दे देना, फोन का क्या करेंगे फिर, फोन में बबल आ गया तो ये वाला लगा दे। ये कौन सा है? ग्लास स्क्रीन प्रो है, बहुत महंगा वाला है आपको। अच्छा, बहुत क्वालिटी, एक नंबर क्वालिटी वाला लगा रहे हैं। 40 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी मैं। 40 आ रहे हैं आप? अगर हम ये मॉल से करवाते तो एक स्क्रीन गार्ड कितने का पड़ता है? $40 समझ गए मैं क्या बोलने वाली थी। 30 से $40 के करीब का स्क्रीन गार्ड लगता है। अगर तुम ये वाले कवर लेने के लिए जाती तो $40-$50 के अपनी 50। हाँ, जो ये आउटर बॉक्स है, जो ये मेरे बॉक्स है, ये लेते हैं ये लोग यहाँ पे $60-$70 के आउटर ब६ॉक्स होते हैं। मतलब मान के चलो $100 का खर्चा है मोबाइल की एक्सेसरीज में। आराम से लोग $150-$200 से मोबाइल के कवर और ये सब लगाने का देते हैं। बाप रे, इन लोगों को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन लोग वहाँ से आए हुए लोग हैं, इंडिया से। गाइस, इंडिया में मैं 80 रुपए का स्क्रीन गार्ड लगवाती थी, 100 रुपए से ज्यादा का कभी मैंने बैक कवर नहीं लिया। उसमें भी जब पैसे देने की बारी आती थी तो भैया 150 रुपए ले लो, 180 रुपए 150 ले बोलते थे। अरे नहीं आती थी, पहले कम करते, अच्छा भैया 160 ले लो, पर अभी से नहीं है मार्केट में यार, मार्केट वाले इतना तो डिस्काउंट दोगे, ऐसे करके 160 रुपए दे के दोनों चीजें करवा लेते थे, जो कि यहाँ पे $100 में हो रही है, मतलब 6,000 रुपए। माई गुडनेस, भैया देखो हमारे पति हैं मल्टी टैलेंटेड इंसान, तो अब देखो कितने अच्छे से लगा रहे हैं स्क्रीन गार्ड, हम आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, तो लग गया है मेरे फोन में स्क्रीन गार्ड, सो दिखाएंगे आप मुझे? शो मी प्लीज। ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से लगा दिया मेरे पति देव ने, एक भी बबल्स नहीं है, नो बबल्स। दोनों हस्बैंड वाइफ के फोन का कलर सेम है। अब मेरे हस्बैंड का फोन चोट लग रहा है और मेरा फोन बड़ा। तुम्हारा पुराना वाला? हाँ, मेरा पुराना वाला इस फोन के कंपेरिजन जिसके साथ रखती थी तो छोटा लगता था, जिससे अभी मैं शूट कर रही हूँ। सो एनीवे, थैंक यू हस्बैंड जी फॉर सो मच गिफ्ट्स, और आज का दिन एकदम मेमोरेबल बनाने के लिए। आपका गिफ्ट मैं दिलवाऊंगी ना आपको, बस रुक जाओ। क्या लोगे? क्या लोगे? बढ़िया से चाय बना दो अभी। हाँ तो क्या हुआ, नहीं पी सकता? चाय में मान जाओगे? अब क्या करूं, चाय में प्यार मिला होगा। काफी है, ठीक है, चाय पिला देते हैं आपको आधी रात में। आधी रात नहीं हुई है अभी, शाम में बज रहा है। Hey guys, so I hope you like this vlog. हमारी एनिवर्सरी का आपने देखा हमने कैसे मनाई। If you like this vlog, please like करे, share करे, subscribe करे चैनल को, और बने रहिए मैना के साथ। अलो आदि, आप भी बोल दो बाय बाय। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।